कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप लोगों को नाइट स्किन केयर रूटीन समर नाइट स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ड्रेस बदल लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नाइट स्किन केयर रूटीन में मैं क्या करती हूँ और आप लोगों को भी ये फॉलो करना चाहिए, इससे काफ़ी आराम मिलता है फ्रेंड्स। और चलिए वीडियो मिलते हैं थोड़ी देर में ड्रेस चेंज करने के बाद। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने नाइटी को डाल लिया है और मैं आपको बताती हूँ मैं नाइट में स्किन केयर कैसे करती हूँ। सबसे पहले बालों को पिनअप कर लेंगे। ये मैंने गाउन भी फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है, अगर आपको पसंद आए तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं इस तरीके से। और ये मैंने बेड वाइप्स मंगाए हुए हैं, इसका मैंने रिव्यू दिया था 2 दिन पहले, आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं इन वाइप्स से अपना मेकअप रिमूव करूंगी और उसके लिए मैंने ये वाइप्स ले लिया है। ये जो है डेली एसेंशियल क्लीजिंग वाइप है, विटामिन एंड नेचुरल लोटस एक्सप्रेस। और इससे सबसे पहले हम अपना मेकअप रिमूव करेंगे। और इससे करने के बाद इसके बाद फ्रेंड्स मैं यूज करूँगी मैंने गुड वाइब्स का मेकअप क्लीजिंग लोशन मंगाया हुआ है, उसको मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप अपना मेकअप रिमूव कर लीजिए और उसके बाद जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। ये मैंने ऑरेंज ब्लॉसम का ब्राइटनिंग मेकअप क्लीजिंग लोशन मंगवाया हुआ है, आपको मैंने रिव्यू दिया था इसका और इसको इससे भी मेकअप रिमूव कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मेकअप क्लीजिंग लोशन ही है, इससे मेकअप ही रिमूव करते हैं। ऐसे इसको आप देख सकते हैं, इस आँखों पे एकदम से लिपस्टिक विपस्टिक इससे सब बड़ी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। सकते हैं आप ये देखिए आप कितने अच्छे से काजल रिमूव हो रहा है इससे। और इस तरीके से इससे इसके बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे और पानी से धो लेंगे। फ्रेंड्स पानी से धो लेते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चेहरा पानी से वॉश कर लिया है, देख सकते हैं क्लीजिंग लोशन था, मेकअप क्लीजिंग लोशन था तो सारा मेकअप उसने रिमूव कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन टी का ग्लो टोनर यूज करूँगी। टोनर फ्रेंड्स आपको फेस वॉश करने के बाद डेली यूज करना चाहिए, डे और नाइट दोनों में ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसको देख सकते हैं आप, ये मैं डे और नाइट दोनों में यूज करती हूँ।
इससे भी चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। इसको हम स्किन में एब्जॉर्ब हो जाने देंगे और ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद हम सीरम यूज करेंगे। सीरम फ्रेंड्स दिन में भी यूज कर सकते हैं और रात में भी यूज कर सकते हैं, और वो हमारी स्किन को लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करता है और काफ़ी हेल्प करता है, साइन देता है फ्रेंड्स। तो आप सीरम दोनों टाइम यूज करिएगा और आप कर सकते हैं दोनों टाइम, मैं तो दोनों टाइम यूज करती हूँ। और इसको एब्जॉर्ब हो जाने दें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोनर एब्जॉर्ब हो गया स्किन में, ये देखिए। और इसके बाद हम सीरम अप्लाई करेंगे। द मॉम्स को का ये जो मैंने सीरम मंगाया हुआ है, इसी को मैं अप्लाई करूँगी अपने चेहरे पे। सीरम के बाद फ्रेंड्स ये हिमालय की रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम में यूज करूँगी जो मैंने मंगाई हुई है, आपको मैंने दिखाया था, इसको मैं यूज करूँगी। इस तरह से नाइट क्रीम लगा लीजिएगा, और अगर आपके पास नाइट क्रीम नहीं है तो कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगा लीजिएगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पे द मॉम्स को की ये अंडर आई क्रीम मैं यूज करूँगी, जो कि डे में भी आप यूज कर सकते हैं और नाइट में भी इसको लगा सकते हैं। डार्क सर्कल, फाइन लाइंस, ये सारी दूर करता है आपकी, तो इसको भी लगा लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगा फ्रेंड्स, ये देखिएगा, और इसको थोड़ा सा पंप करेंगे तो ये इस तरीके से क्रीम आ जाएगी। और इसको हम अंडर आई पे लगा लेंगे। इसमें एक एप्लीकेटर भी दिया हुआ है जिससे आप इसको लगा सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये आ जाती है, और इसी को आप इसको लगाने से फ्रेंड्स बहुत ही आराम मिलेगा, क्योंकि हम यूट्यूबर लोग काफ़ी टाइम तक मोबाइल चलाते हैं और उससे ये आंखें हमारी थक जाती हैं, तो इसको लगा करके आप रात में सोइएगा, फिर देखिएगा इसका रिजल्ट। इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, बहुत ही अच्छा एप्लीकेटर है फ्रेंड्स, इसको लगाने से सारी थकान दूर हो जाती है। आप एक बार ट्राई करके इसको देखिएगा। और इसको लगाने के बाद
तरीके से हम इसको आई पे अप्लाई कर लें। अंडर आई क्रीम हो गई फ्रेंड्स, उसके बाद मैं यहाँ पे लिप बाम यूज करूँगी क्योंकि ओंठों को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है नाइट में। देख सकते हैं आप, और इस तरीके से, और यहाँ पे मेरा नाइट स्किन केयर कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कोई बाय बाय फ्रेंड्स।